Hello, friends. In this video, we will be further looking into the protein structure. Now, as we move to a higher level of structures in protein, we categorize them into basically two categories, two major categories. One is the fibrous protein, and the other one is the globular protein. Now, the fibrous protein. एज द नेम सजेस्ट दे आर फाइबर लाइक लॉन्ग एंड नैरो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पैरलली अरेंज होती हैं एक दूसरे के एंड दे फॉर्म हेलिकल और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर या तो वो एल्फा हिलकल स्ट्रक्चर बना सकती है या तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बनाती है एंड जो हमारी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है एज द नेम सजेस्ट ग्लोब्युलर ग्लोब लाइक सो दे फॉर्म अ राउंड इंटरवाइंड स्ट्रक्चर जो अल्टीमेटली एक स्फेरिकल शेप ले लेगा इसमें ये क्या करते हैं कि जो अपने हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं उनको वो अंदर की तरफ अपने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ छुपा लेते हैं और एक्सपोज अपने हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स को करते हैं यही प्रॉपर्टी है कि इसकी वजह से ये सोलिबल होते हैं किसमें वाटर में और हमारे एसिड्स और बेसिस में भी और ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या बीटा प्लीटेड ये जो हमारे पास लॉन्ग नैरो स्ट्रैंड्स बनते हैं इस स्ट्रक्चर में जो इनके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं दे आर फुली एक्सपोज्ड जिसकी वजह से दे आर इन्सॉलेबल इन वाटर एज वेल एज वीक एसिड्स इन बेसिस नाउ इनका पर्पस क्या है फाइबरस प्रोटीन्स हमें यूजुअली स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं आपके जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो मोस्टली फाइबरस प्रोटीन्स होते हैं और जो आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो आपके यूजुअली इंजाइम्स और ये सब फंक्शनल इंजाइम्स और ये आपके इम्यूनोग्लोबिस uh, ये सब आपके ग्लोबुलर प्रोटीन फॉर्म करते हैं एसिड सीक्वेंस इसमें आपको रेपिटेटिव अमाइनो एसिड सीक्वेंस मिलेगा ये रेपिटेटिव अमाइनो एसिड सीक्वेंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है या तो ड्राई पेप्टाइड सीक्वेंस मिलेगा आपको कहीं पे जो बार बार रिपीट हो रहा है या ग्लोबल में आपको क्या मिलेगा कि इरेग्युलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस है ये ऐसा कोई आपको रेपिटेटिव सीक्वेंस नहीं मिलेगा कि अगर एक सेट ऑफ अमाइनो एसिड है थोड़ी देर के बाद फिर से वही सेट रिपीट हो रहा है इसमें ऐसा नहीं होता है एक रैंडम पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट की चेन है और वो आपस में इंटरट्वाइंड है जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रही है देर इज़ नो रिपीटेटिव यूनिट नाउ ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये लेस सेंसिटिव हैं चेंजेस टू पीएच इन एंड टेम्परेचर ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते अगर पी या टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं क्यों क्योंकि ये बहुत स्टेबल प्रोटीन्स होते हैं बिकॉज इनमें जो इंटर इंटरमोलिक्यूलर इंटरैक्शंस होती हैं दे आर वेरी स्ट्रोंग और इनमें जो इंटर मोलिकुलर इंटरक्शंस होती हैं वो वीक होती हैं जिसकी वजह से दे आर वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस इन पी एंड टेम्परेचर ठीक है देन एग्जाम्पल्स अगर हम कुछ देख लें देन वी कैन लुक एट फर्स्ट फाइबरस में वी हैव कॉलोजिन मायोसिन केरेटिन इलास्टिन फिबरिन ये आपके यूजअली जो आपके स्ट्रक्चरल और मकैनिकल फंक्शनल प्रोटीन्स हैं ये हम उनकी बात कर रहे हैं फाइबरस प्रोटीन में ग्लोबुलर में कौन एग्जाम्पल आ गया हीमोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन आपके इन्जाइम्स इंसुलिन ये आपके केमिकल प्रोसेस में यूजली जो प्रोटीन्स पार्ट लेते हैं वो कैसा स्ट्रक्चर लेते हैं ग्लोबुलर। अब आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे सो so ये आप देखिए तीन यहाँ पे हेलिक्स जो हैं आपस में इंटरट्वाइंड हैं और ये एक फाइबर लाइक लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं ये आपका क्या आ गया फाइबरस प्रोटीन एंड अगर आप यहां देखेंगे ये एक ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है प्रोटीन आपस में जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इंटरट्वाइंट है एंड इट इज फॉर्मिंग अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो आपका है ग्लोब्यूलर प्रोटीन ठीक है नाउ हम एक एक करके पहले फाइबरस प्रोटीन इस वाले वीडियो में हम फाइबरस प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे सो वील स्टार्ट विथ कॉलेजिन। कॉलेजिन सबसे ज़्यादा अबांडेंट प्रोटीन है जो हमें वर्टेब्रेट में देखने को मिलता है डैट इज कॉलेजिन। ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है फाइबरस है हमने पढ़ा था कि ये फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल है इट इज लॉन्ग इन इलास्टिक इन इलास्टिक मतलब कि ये स्ट्रेच नहीं होगा जितना इसका लेंथ है ये उतना ही इसमें स्ट्रेचबलिटी नहीं है स्टिफ ट्रिपल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब कि इसमें आपको हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा हेलिक्स मिलेंगे आपने पढ़ा था कि या तो राइट हैंडेड हेलिक्स हो सकते हैं या तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स हो सकते हैं या हमें हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे और इसमें ट्रिपल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है तीन हेलिकल स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ेंगे तीन स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास ये प्रोटीन बनेगा अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में जो फंडामेंटल यूनिट है वो ट्रोपोकोलाजन है ट्रोपोकोलाजिन कैसे बनता है ट्रोपोकोलाजिन जब तीन पॉलीपेप्टाइड चेन जिनको हम हर एक चेन को हम क्या बोलते हैं अल्फा चेन जब ये तीन अल्फा चेन आपस में कॉइल होती हैं तो वो क्या बनाएगा ट्रोपोकोलाजन अब ये जो अल्फा चेन है सेंस हमने पढ़ा था कि जो फाइबरस प्रोटीन है उसमें हमें रेपिटेटिव अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं तो इसका अल्फा चेन का रेपिटेटिव अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या है ये ग्लाइसिन एक्स वाई ग्लाइसिन तो आपको देखने को मिलेगा ही फर्स्ट जो आपका ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस ये जो रिपीट हो रहा है इसमें पहला तो हमें ग्लाइसिन दिख रहा है जो नेक्स्ट है वो हमें यूजुअली क्या दिखता है प्रोलीन। बट कभी कभी ये एलिनिन भी होता है प्रोलीन की जगह एलिनिन भी मिलता है बट डेट इज रेयर हमें यूजअली कौन सा देखने को मिलता है प्रोलिन और जो वाई है उसकी जगह या तो आपको थ्री या फोर हाइड्रॉक्सी प्रोलिन मिलेगा या तो फाइव हाइड्रोक्सी प्रोलिन मिलेगा सॉरी लाइसिन मिलेगा आइदर इट इज़ थ्री और फोर हाइड्रोक्सी प्रोलिन और इट इज फाइव हाइड्रोक्सी लाइसिन एक और बात की आपने जेलिटिन का नाम सुना होगा जेलेटिन भी एक टाइप का कोलाजिन ही है इट इज़ ऑल्सो अ कोलाजिन बट ये बहुत ज़्यादा डेफिशेंट uh, होता है न्यूट्रियस में और ये कोई रिच सोर्स नहीं है आपका प्रोटीन का ये क्यों होता है बिकॉज जेलिटिन बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो हमारे बॉडी के अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं उसमें इट लैक्स और बहुत रेयर कोई एक दो अमाइनो एसिड का ही ये यूनिट है जो वापस रिपीट होता जाता है तो हमें इसमें कोई वैरायटी नहीं मिलती है अमाइनो एसिड की दैट्स वाई इट इज अ डिफिशियंट सोर्स ऑफ न्यूट्रीन प्रोटीन न्यूट्रीन ठीक है ये हमने देख लिया ना एक और चीज़ मैं आपको कॉलिजिन के बारे में बताना चाहूँगी कि डैट हमने देखा कि ये एक थ्री स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है तो ये एक रोप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है रोप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एंड जो कॉलेजन है ये हमारा इसके हमें अराउंड 19 टाइप्स अपने वोटरब्रेड सिस्टम में 19 टाइप्स देखने को मिलते हैं और ये 19 टाइप्स अराइज कैसे होंगे जो हमारा डिफरेंस है अमाइनो एसिड सीक्वेंस का उसकी वजह से तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइप देखने को मिलते हैं बट जो मोस्ट अबंड टाइप है जो 90% परसेंट हमारा कॉलोजिन बॉडी का फॉर्म करता है डैट इज टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री ये तीन है जो हमारा 90% परसेंट बॉडी का कॉलोजिन फॉर्म कर लेते हैं ना ये जो अल्फा चेन भी आपने यहाँ पे देखा जो तीन आपके कॉइल होकर ट्रोपोकोलैजन फॉर्म कर रहे हैं आपका जो हर एक अल्फा चेन है वो खुद लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है जिसके हर टर्न में 3.3 पॉइंट थ्री अमाइनो एसिड रेसिड्यू है हर टर्न में हमें 3.3 पॉइंट थ्री अमाइनो एसिड रेसिड्यू मिलते हैं और हर एक इंडिविजुअल अल्फा चेन लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है और जो हमने ट्रिपल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर देखा वो खुद क्या है राइट right हैंडेड मतलब जब उसने ट्रोपोकोलाजिन फॉर्म कर लिया तो ट्रोपोकोलाइजिन राइट हैंडेड है ठीक right है ये राइट हैंडेड है बट जो इंडिविजुअल अल्फा चेन है वो क्या है लेफ्ट हैंडेड अब आपका ये जो प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन है प्रोलीन एंड इड्रोक्सी प्रोलिन हाइड्रोक्सीप्रोलिन ये आपका रिजिडिटी प्रोवाइड करता है आपके कॉलेजिन को कॉलेजिन का जो रिजिड स्ट्रक्चर है उसका रीजन क्या है प्रोलिन प्रोलिन हमने पढ़ा था पहले भी जब हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोलिन है ये आपका नॉन पोलर है प्लस ये एलीसाइक्लिक कंपाउंड है इसका जो एनएच ग्रुप है वो फ्री नहीं होता एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसकी वजह से ये जिस भी स्ट्रक्चर में जाता है वहां पे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है तो इन दोनों का काम यहां पे रिजिडिटी प्रोवाइड करना है ना ये जो हाइड्रोक्सीलेशन है आपके जो प्रोलिन और लाइसिन की हाइड्रोक्सीलेशन हो रही है ये पोस्ट ट्रांसलेशनल होती है मतलब जब आपका प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बन गया उसके बाद जो आपका हाइड प्रोलिन और लाइसिन है उसमें ओ एच ग्रुप ऐड होता है और वो हाइड्रोक्सीट हो जाते हैं ये जो मॉडिफिकेशन हैं अल्फा चेन में इसके लिए दो मेजर एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं दैट इज प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज फॉर हाइड्रोक्सी प्रोलिन एंड लाइसाइल हाइड्रोक्सीज विच चेंज लाइसिन टू फाइव हाइड्रोक्सी लाइसिन अब इन दोनों इंजाइम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट को फैक्टर है विच इज वाइटामिन सी और एस्कॉर्बेट तो इसी रीजन से हम इधर एक और बात नोटिस कर कर सकते हैं कि हमने स्कर्वी स्कर्वी का हमने नाम सुना है ये डिजीज गम्स की डिजीज है ब्लीडिंग गम डिजीज बोलते हैं इसको ये भी हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई उसकी वजह से जो प्रोलाइल हाइड्रोक्सीलेज और लाइसाइल हाइड्रोक्सीलेस हैं दे डिक्रीज उनका कॉन्टेंट डिक्रीज हो जाता है क्योंकि उनका ये इंपॉर्टेंट को फैक्टर था जिसकी वजह से अब हमारे कॉलिजिन के लिए हमें हाइड्रोक्सीप्रोलिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन नहीं मिलेगा जिससे हमारे स्ट्रक्चर में रिजिडिटी नहीं आएगी एंड दस हमारे गम्स वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से वी फेस दिस डिसीज ऑफ ब्लीडिंग गम्स जो जब वाइटामिन सी और वाइट Uh, या स्कॉर्बेट जिसको हम बोलते हैं ये एक और चीज में हेल्प करता है इस पूरे कॉलोजन के प्रोसेस में दैट इज ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है ग्लाइकोसाइलेशन क्या हुआ कि जो आपका हाइड्रोक्सी लाइसिन है जब उसकी ग्लाइकोसाइलेशन होती है तो उसके ओ एच ग्रुप की जगह आपको क्या मिलता है ग्लूकोज या गैलेक्टोज ऐड हो जाता है ये हम आगे भी अभी पढ़ेंगे जब हम बायोसिंथेसिस देखेंगे कॉलिजिन का आई so, होप आपको इतना अभी तक समझ आ गया हो नाउ बायोसिंथेसिस ऑफ कॉलिजिन बायोसिंथेसिस ऑफ कॉलिजिन में हमारे पास मेजरली हमने इसको सेवन स्टेप प्रोसेस में डिवाइड किया हुआ है नाउ फर्स्ट इज सिंथेसिस एंड एंट्री ऑफ पॉलीपेप्टाइड इनटू द ल्यूमिनो ऑफ आर जो हमारा पॉलीपेप्टाइड है वो किसके ऊपर सिंथेसाइज होता है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स लगे हैं उसके ऊपर एंड देन जब वो सिंथेसाइज हो जाता है तो वो ई ER आर के ल्यूमन के अंदर चला जाता है नाउ जब वो ई ER आर के ल्यूमन के अंदर चला गया तो कुछ प्रोलिन और लाइसिन रेसिड्यूज जो हैं उस पॉलीपेप्टाइड में वो हाइड्रोक्सीलेट हो जाएंगे किस इंजाइम की वजह से प्रोलाइल हाइड्रोक्सीलेस और लाइसाइल हाइड्रोक्सीज की हेल्प से एंड देन कुछ हाइड्रोलाइस जो हमारे ये इन्जाइम बना हाइड्रोक्सीलाइसिन फाइव हाइड्रोक्सीलाइसिन इन कुछ इनकी ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है ग्लाइकोसाइलेशन मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है गैलेक्टोस या ग्लूकोस एडिशन होती है फिर उसके बाद ये हमारा ट्रोपोकोलिजिन फाइनली रेडी हो गया अब इस ट्रोपोकोलिजिन को हमें पैक करना है हम वेसिगल में पैक करेंगे और ई ER आर से इसको बाहर भेज देंगे फाइनली जब ट्रोपोकॉलिजिन रिलीज होता है तो उसमें फिर क्रॉस लिंकिंग शुरू हो सकती है अब हमें ये जो छोटे छोटे ट्रोपोकॉलिजिन के सब यूनिट्स हैं इनको ज्वाइन करके इनका इंट्रा इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग भी देखना है और फिर हमें उसका इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग भी करवानी है जिसकी फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि कॉलिजिन फॉर्मेशन हो जाएगा ना इसके लिए पहले हम इंट्रा इंट्रामिक्यूलर जो बॉन्डिंग होती है ट्रोपोकोलोजन में उसको स्टडी करेंगे कि वो कैसे होती है उसमें क्या होगा कि जो आपके लाइसिन है अगर दो मॉलिक्यूल हम लाइसिन के ले लें उसमें ऑक्सीडेटिव डिएमाइनेशन हो जाएगी ऑक्सीडेटिव डिएमाइनेशन क्या होगा कि एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएगा मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और एन फोर पॉजिटिव वो निकल जाएगा ये किस कौन सा एंजाइम कराता है लाइसाइल ऑक्सीडेस या जिसको हम लॉक्स एंजाइम भी बोलते हैं इट इज कॉपर डिपेंडेंट एंजाइम तो ये एंजाइम हमारा बना देता है एल लाइसिन आप देखेंगे यहां पे था सी एच टू सी एच टू एन एच थ्री पॉजिटिव यहां पर आपके पास बच गया सी एच टू एक और यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप बन गया जब दो एल लाइसिन की एल्डोल कंडेंसेशन होती है तो हमारे पास एक एल्डोल क्रॉस लिंक बन जाता है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एल्डोल क्रॉस लिंक बन गया है हमारे पास यहाँ पे ये आ गया इंटरमोलिक्युलर बॉन्डिंग कैसे होती है नाउ इंटर मोलिक्युलर बॉन्डिंग कैसी होगी ये इंट्रा मोलिक्युलर बॉन्डिंग थी अब इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग कैसी होगी एक हाइड्रोक्सी पैरिनीडियम स्ट्रक्चर बनता है जब एक नॉर्मल लाइसिन और दो हाइड्रोक्सी लाइसिन रेसिड्यूस आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं अब ये जो आपको आप हाइड्रोक्सी पैरिनीडियम स्ट्रक्चर यहां पे देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं है आप बस ये देख लीजिए कि जब इंटामोलिक्युलर बॉन्डिंग होगी तो वहां पे ये स्ट्रक्चर बनेगा और ये स्ट्रक्चर किससे बनेगा जब एक लाइसिन और दो हाइड्रोक्सी लाइसिन रेसिड्यूस आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे फाइनली जितने भी आपके ट्रोपोकोलोजिन ने जब इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग की और इंटर मोलिकुलर बॉन्डिंग की तो वो आपस में एग्रीगेट करके फिब्रिल्स बना लेंगे जो आपका मचोर कॉलेजिन है तो ये थी हमारा कॉलेजिन का बायोसिंथेसिस। अब कुछ डिजीजेस हैं जो हमारे कॉलेजिन से रिलेटेड है पहली है एल्हर्स डैनलॉस सिंड्रोम जिसको हम ई बोलते हैं ये एक इनहेरिटेबल डिफेक्ट है मतलब कि एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ये आपको डिफेक्ट जाता हुआ दिखेगा म्यूटेशन किस में होती है अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ कॉलिजिन ऑफ टाइप वन थ्री एंड फाइव और अगर म्यूटेशन टाइप वन कॉलेजन में आपको दिखती है तो आपको स्ट्रेची स्किन एंड लूज जॉइंट्स ये आपको उनमें कॉन्सिक्वेंसिस देखने को मिलते हैं जो ई से सफ़र करते हैं उनकी स्किन काफ़ी स्ट्रेची होती है बिकॉज कॉलेज़न अच्छे से सिंथेसाइज़ नहीं हुआ तो वो आपकी स्किन को जो टाइटनेस है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता और लूज़ जॉइंट्स की प्रॉब्लम मिलती है दूसरा है ऑस्टियोजेनिसिस इम जिसको हम ओ भी बोलते हैं इसमें क्या होता है कि इसको हम ब्रिटल बोन डिजीज़ भी बोलते हैं और इसमें रिटार्डेड वूंड हीलिंग होती है कि वूंड हीलिंग जो है आपकी वो देर से होगी और आपको रोटेटेड और ट्विस्टेड स्पाइन की प्रॉब्लम मिलती है जिससे एक हम्प्ड बैक की अपेयरेंस आती है मतलब कि आपको ऐसी कुछ बैक दिखेगी नॉर्मल लोगों की स्ट्रेट बैक होती है उनकी आपको थोड़ी सी बेंट बैक दिखेगी ये था आपका ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा भी फर्दर दो टाइप्स का होता है टाइप वन और टाइप टू बट जो इसका टाइप टू होता है दैट इज़ डेडली वन और ये सिवियर कंडीशन है इसमें हमें म्यूटेशन मिलती है आ, टाइप वन एल्फा चेन में जहाँ जो ग्लाइसिन है वो सब्स्टिट्यूटेड होता है बल्कि साइड चेन से जिसकी वजह से जो ट्रिपल हेलिक्स होता है वो डिस्ट्रप्ट हो जाता है एंड इट के नॉट बी फॉर्म्ड तो हमारा कॉलेज की सिंथेसिस भी नहीं हो पाती ये हमारा टाइप टू में दिखता है नाउ दिस वाज अबाउट कॉलेज इसके बाद हम पढ़ेंगे दो और स्ट्रक्चरल फाइबरिस प्रोटीन्स तो पहला हम लेंगे इलास्टिन ये भी हमारा एक फाइबरिस्ट फाइबरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है एंड इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू रबर लाइक प्रॉपर्टीज़ है इसकी मतलब हमें स्ट्रेचेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी का फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है एंड इट इज़ इनसॉलेबल सिंस हाइड्रोफोबिक है तो इनसॉलेबल होगा इट इज़ फाउंड इन लिगमेंट्स लार्ज आर्ट्रीज एंड लंग्स हमें पता है कि इन सारी जगहों पे हमें स्ट्रेचेबिलिटी की ज़रूरत होती है स्ट्रेच Stretch, स्ट्रेचेबिलिटी की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे आपको इलास्टिन एज अ कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है दे आर रिच इन नॉन पोलर अमाइनो एसिड स्पेशली कौन कौन से दो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन और प्रोलिन अगेन जो इसका फंडामेंटल यूनिट है वो ट्रोपो इलास्टिन है जो अराउंड 700 हंड्रेड अमाइनो एसिड यूनिट लॉन्ग होता है हमने पढ़ा था कि कोलाजिन का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है ट्रोपो कोलाजिन इसमें हमें कोई भी ग्लाइकोसाइलेशन देखने को नहीं मिलती अनलाइक कोलोजिन और इसमें बहुत कम हमें हाइड्रोक्सी प्रोलिन देखने को मिलता है और हाइड्रोक्सी लाइसिन तो होता ही नहीं है हमारे इलास्टिन में हमने देखा था कॉलेजिन में होता है हाइड्रोक्सी लाइसिन बट हमें इलास्टिन में कुछ भी हाइड्रोक्सी लाइसिन देखने को नहीं मिलता अब इसमें दो तरह के सेगमेंट्स बार बार हमें ऑल्टरनेट करते रिपीट करते दिखते हैं फर्स्ट सेगमेंट इज द हाइड्रोफोबिक सेगमेंट जिसमें हमारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे और जो दूसरा सेगमेंट है उसमें हमें एलिनिन और लाइसिन रिच सेगमेंट रिपीट होते दिखता है मतलब पहले हमें एक हाइड्रोफोबिक सेगमेंट दिखेगा उसमें जिसमें हमारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे उसके बाद एक एलिनिन लाइसिन रिच मिलेगा फिर एक हाइड्रोफोबिक फिर एक एलिनिन लाइसिन रिच तो ऐसे हमारा इलास्टिन का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कुछ ऐसी दिखती है नाउ दे दे आर हाईली क्रॉस लिंक्ड जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली स्टेबल होते हैं हमने पढ़ा था कि फाइब्रस प्रोटीन्स में जो इंटरमोलिकुलर inter इंटरक्शंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं जो उसको फर्दर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं तो ये लास्टन का भी फीचर है एंड आफ्टर सिक्रीशन जो कुछ लाइसाइल रेसिड्यूज होते हैं हमने पढ़ा कि इसमें लाइसिन तो है लाइसिन रिच है तो कुछ जो हमारे लाइसाइल रेसिड्यूज हैं उनका भी ऑक्सीडेटिवली डिमाइनेट हो जाते हैं वो लाइसाइल ऑक्सीडेज लॉक्स अगेन वो एक्ट करेगा और फिर एक अनयूजल अमाइनो एसिड हमें फॉर्म होता दिखता है इसके एक्स्ट्रा सेलुलर में, जो है डेस्मोसिन नाउ डेस्मोसिन कैसे बनता है जब तीन लाइसिन डराइव एल्डिहाइड्स मतलब एल लाइसीन ये हमने कॉलेजिन के बायोसिंथेसिस में पढ़ा था एल लाइसिन कैसे बनता है तीन लाइसीन ड्राइव्ड एल्डिहाइड्स और एक नॉर्मल लाइसिन जब वो आपस में बॉन्ड करते हैं तो हमें डेस्मोसिन अमाइनो एसिड देखने को मिलता है नाउ दिस इज ये हमें सिर्फ इलास्टिन में ही देखने को मिलता है नाउ कमिंग टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइबरस प्रोटीन्स विच विल भी स्टार्टिंग आ केरेटिन एक फाइबरस प्रोटीन है विच इज फाउंड इन इंटरमीडिएट फिलाेंट यह आपको इंटरमीडिएट फिलाेंट प्रोटीन्स में देखने को मिलेगा और यह हमारा साइटोस्केलेटिन भी फॉर्म करता है एनिमल सेल्स में अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो एल्फा कैरेटिन जो इसका बेसिक यूनिट है जो बेसिक चेन है जो कंबाइन होके फाइनली हमारा माइक्रोफाइफ बनाती है जो कैरेटिन है डैट इज़ ए राइट हैंडेड हेलिक्स और वो हाइड्रोफोबिक है क्यों क्योंकि वो रिच है नॉन पोलर अमाइनो एसिड में जो है हमारे एलिन वैलीन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन मेथियोनीन एंड फिनाइल एलिन इसमें इसकी जो एल्फा कैरेटिन है डैट इज रिच इन दीज नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स विच मेक इट हाइड्रोफोबिक ना जब हमारे दो अल्फा कैरेटिन पैरेलली अरेंज्ड होते हैं जिसमें जो एक अमाइनो एस अल्फा कैरेटिन चेन है वो टाइप वन है डैट इज एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं उसमें और जो दूसरी चेन है डैट इज टाइप टू जिसमें हमारे न्यूट्रल एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं वो जब पैरलेली अरेंजड होंगे तो वो एक हेट्रोडाइमर फॉर्म करेंगे जब दो हेट्रोडाइमर एंटी पैरेलली अरेंज्ड होंगे तो वो एक प्रोटोफिलामेंट फॉर्म करेंगे मतलब सबसे पहले हम अल्फा कैरेटिन लेंगे अल्फा केरेटिन हमारा क्या फॉर्म कर रहा है हेट्रोडाइमर जब दो कंबाइन हो रहे हैं पैरेलली अल्फा केरेटिन तो वो हेट्रोडाइमर फॉर्म कर रहे हैं जब दो हेट्रोडाइमर कंबाइन हो रहे हैं तो वो प्रोटोफिलामेंट फॉर्म कर रहे हैं बट यहाँ पे हमें पैरेलल अरेंजमेंट मिल रही है जब दो प्रोटोफिलामेंट आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो वो प्रोटोफेब्रल बनाएंगे एंड जब चार प्रोटोफेब्रिल्स आपस में कंबाइन होंगी तो वो माइक्रोफेब्रल बनाएगी जो अल्टीमेटली आपका मैक्रोफेब्रल बनाएगा विच इज रेटेन अब जो आपका केरेटिन है उस वो दो टाइप्स का होता है एल्फा केरेटिन एंड बीटा केरेटिन जो आपका एल्फा केरेटिन है दैट इज टफ इनसोल्यूबल और हेलिकल इन कॉन्फर्मेशन और जो आपका बीटा केरेटिन है इट इज सॉफ्ट फ्लेक्सीबल और एंटी पैरल बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर में नहीं होता इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू